हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 का, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर इज सऊदी अरेबिया लोकेटेड, ये आपको मैंने बताया था। वाइस इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, इसके पैडेड फीट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होता है। अब इजी उस क्लाइमेट पे कैमल जो है इजीली फिट हो जाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। कैमल कैन वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी फूड एंड वाटर, सो कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द बियोडिन्स। बियोडिन्स आर द अरब्स एंड डेजर्ट नोमैड्स who hail from the continue to live primarily in Arabic peninsula. They are have traditionally live in the area arid of steppe region along the margins of red fret cultivation. Now next question is, why is petroleum called liquid gold? Petroleum ko liquid gold kyun kaha gaya hai? Petroleum is called liquid gold because the crude oil is extracted from the soil below and it is black in color. Petroleum का color black होता है। Petroleum is very expensive like gold, इसीलिए इसको liquid gold कहा, क्योंकि ये तरल पदार्थ में रहती है, इसीलिए इसको liquid gold कहा गया है। बहुत महंगा होता है और इसको ज़मीन से extract किया जाता है, और ये expensive होने की वजह से लोगों की income को बढ़ाता है, इसीलिए इसको liquid gold कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द लाइफ अराउंड द ओयासिस। ओयासिस मैंने आपको दिखाया भी था कैसे होता है ओयासिस। वंस अगेन आई विल शो यू। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओयासिस। पानी का एक पैच ऑफ लैंड होगा, यहाँ पानी रहेंगे, आसपास में से ट्रीज से घिरा होगा, ये फर्टाइल लैंड होता है। यहाँ पर प्लांटेशन और जो डोमेस्टिक यूज होता है वाटर का, ये फुलफिलमेंट किया जाता है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे लाइफ कैसे होती है। एन ओयासिस इज अ स्मॉल पैच ऑफ वेजिटेशन सराउंडेड बाय डेजर्ट कम्युनिटीज। डेजर्ट सराउंडेड, डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में होता है। एंड कम्युनिटीज हैव ट्रेडिशनली प्लांटेड स्ट्रॉन्ग ट्रीज। देखिए यहाँ पर ट्रीज कैसे प्लांटेड है, स्ट्रॉन्ग ट्रीज प्लांटेड हैं। एंड अराउंड द सच एज पाम अराउंड द ओयासिस। पाम का जो ट्री होता है वो इसी ओयासिस के किनारे किनारे लगाया जाता है। इट इज़ एन एरिया मेड फर्टाइल बाय द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये एक ऐसा एरिया है जो फर्टाइल जमीन है, जहाँ पर अच्छे से हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सरसाइज एंड टू क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बचे थे जो कि आज हमने डिस्कस कर लिया है। और हम चैप्टर 7 इस समय एक्सप्लेनेशन में, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेट ग्रास लैंड पढ़ चुका था। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकेशंस के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे ग्रास लैंड लोकेटेड है। ठीक है, सो आप लोग कॉपी कंप्लीट करेंगे अपनी, सारे बच्चे आज की ही डेट में कॉपी कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद मुझे उसकी पिक्चर को ज़रूर सेंड करेंगे। उसके बाद जो अगर कोई बच्चा अगर पूछता है कि ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, देन आई विल नॉट सेंड यू। क्योंकि ये कोई बार बार हम आपको सेंड करें, फिर एक बच्चा लिखे, दो बच्चे लिखे, फिर जब कोई फिर दो बच्चे लिखेंगे, तो ऐसे हम बार बार सेंड नहीं करेंगे। हम एक बार फाइनल सेंड करेंगे, उसी से आप लोगों को नोट डाउन करना है। अदरवाइज यू विल आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम योर टीचर।